हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो क्लास 10 का यहाँ पे उर्दू का सब्जेक्टिव का आंसर के लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने आपको जो है ऑलरेडी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो फटाफट से आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे स्क्रॉल ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया। यहाँ तक क्वेश्चन एक से टोटल जो था आपका 60 सवाल, यहाँ तक 60 सवाल था, मैंने पूरा करा दिया। अब बारी आपका सब्जेक्टिव का, यानी सेक्शन नंबर बी का देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सवाल दरअसल अनुवाद में से किसी एक अनुवाद पर कम से कम 10-300 लफ्ज़ों में आंसर लिखना है ना। तो लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब लिखना है तो उसके लिए आपको आंसर मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम सभी का आपका आंसर बताते हैं आपको। पहला सवाल है, दरअसल अनुवाद में से किसी एक अनुवाद पर कम अज कम 300 लफ्ज़ों में मजमून लिखे, है ना, इस तरीके से। तो चलिए कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने एक पे लिख रखा है, जैसे ईद हुआ उस पर लिख रखा है, अपने वालिद को खत लिखा, मैं तालीम के बारे में इस पर लिख रखा है। सवाल नंबर 3 देख सकते, मैंने पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आंसर इसका, उसका बताऊँगा इस तरीके से आपको इसका आंसर डाउनलोड करना है, ठीक है पूरा। सवाल नंबर यहाँ पे आप लोग देखिए, तीसरा है, दरअसल सवालों में से 10 का मुख्तसर जवाब दे। यहाँ पे टोटल जो है 20 सवाल पूछा गया है, इसमें से आपको जो है मात्र 10 का जवाब देना है। हर एक सवाल जो है 2 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला जैसे सवाल है, गालिब की ज़िंदगी के बारे में बताएं। दूसरा है, गालिब की शायरी में गालिब शायरी में पहले किन किन तखल्लुश का इस्तेमाल करते थे, वो है ससैयद, और कौन सा मजमून आपके सामने शामिल है। सुहेल अजमाबी आबादी का बचपन का नाम क्या था, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे बताएंगे। और देखिए, जो सवाल का मैं आंसर दे रहा हूँ वही आपको एग्जाम में हो बहू लिखना है जो हमने लिखा, ठीक है। अगर जो आपको उससे पहले भी आगे वो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया सवाल नंबर 4 भी कर रहा है कि मंदरजा जेल सवालों में से किसी 3 सवालों का जवाब दे, चाहे अफसाना सोया घोड़ा खुलासा लिखे। दूसरा, जेल नशा मंदरजा का मरकजी ख्याल पेश कीजिए, नात की तारीफ कीजिए, मनाजे सवालों के लफ्ज़ की जमा बने, इसका जमा बने शख्स का इसका अदब का अदबा हकीकत का हकीक हो जाएगा, किताब का किताब हो जाएगा, हाल का हवाल हो जाएगा ना, इस तरीके से मनाजे अफान की जीत बनाए, बुलंद का पस हो जाएगा, इस तरीके से शुरू का आखिर करीब कदम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है, आप लोग को बताता हूँ कैसे आपको आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा और कहाँ पे है ये आंसर डाउनलोड करना। चलिए का सब्जेक्ट बताता हूँ आपको, तो आपको सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए अपने यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है। सब यहाँ पे देखिए, लघु उत्तर जो सवाल है यहाँ पर मैं देख लिए कि ईद उल फितर पहला मैंने लिख रखा, आपको ईद उल फितर पे यहाँ पे आंसर के मिल जाएगा, ठीक है। ईद उल फितर जो है आपका 10 नंबर का सवाल है, उसका यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ईद उल फितर को ईद भी कहा जाता है, ईद मुसलमानों का ख़ास त्यौहार है, सारी दुनिया के मुसलमान ईद उल फितर का त्यौहार मनाते हैं, ईद खुशी का त्यौहार है। अब सवाल पैदा हो सकता है कि ईद कब मनाई जाती है, ईद रमज़ान महीना ख़त्म होने के बाद मनाई जाती है, दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ईद उल फितर 1 शवाल को मनाई जाती है, सवाल अरबी साल के 10वीं का महीना है, रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन चांद नज़र आने के अगले दिन ईद मनाई जाती है, ये आपको भी मालूम है। तो इसी तरीके से आपको मिला मिला के यहाँ तक मैंने लिख रखा, आपको भी लिखना है, 10 नंबर आपको मिलेगा इस सवाल से, ठीक है। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 का हो गया, सवाल नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए, सवाल नंबर 2 का 1 का जवाब लो दे सकते हैं, इम्तहान के ऊपर है, आप इस ध्यान दीजिए जो लिखा आपको वो उतार देना, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ मिलाने वाला होगा मिला दीजिएगा अपने हिसाब से, और यहाँ पे नीचे जरूर लिखिएगा, ठीक। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का 1 का जो आपको पूछा जाता है 3 में कि 20 सवाल है, उसमें से आपका 10 आपको उसमें से 10 का जवाब देना है। तो देखिए, गालिब ने हरी चंद के अटल से बात की, उससे दहली में सकूत अख्तियार कर ली थी, यहाँ से आपको मिला के लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पीछे वाला उनके बारे में आप लिख सकते हैं, जो है गालिब की पैदाइश कब हुई, उनके अब्बू का नाम मम्मी का नाम वगैरह लिख सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की, यहाँ तक भी लिखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ तक इनका खलास निज़ाम संविधान की दख्तर इज़्ज़तुलनिसा बेगम से हुई। सवाल में क्वेश्चन 3 के 2 का जवाब देखें, यहाँ पे गालिब शायरी में पहले असद तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देख लिए, 3 का यहाँ पे जवाब है सर सैयद का मजमून रिया हमारे निशा में शामिल है, क्वेश्चन नंबर 3 है सुहेल अजीम आबादी का सलाम सैयद मुजीबुर रहमान है, और क्वेश्चन नंबर 3 है
तो यहाँ तक दिया क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा था कि सर सैयद का मजमून रिया हमारे सामने सामने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 नंबर के सोहेल जवाबी का सलाम सैयद मुजीबुर्रहमान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 का जवाब है रुकैया भाभी के शोहर को बार बार जेल सियासत के शौक की वजह से जाना पड़ता था, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे 6 का जवाब यहाँ पे देख सकते हैं, सोहेल जवाबी ने कहानी भाभी जान में रुकैया भाभी की शक्ल में एक ऐसी औरत के किरदार को पेश किया है, उनके बारे में है। यहाँ तक सवाल ठीक है, सवाल का जवाब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 3 का जो है 8 नंबर का जवाब यहाँ पे है, ये वाला जो है ये 3 का 7 का ये वाला डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन वाला। ठीक है, और यहाँ इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ओके, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के जीने से अफसाना फराम है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का जवाब आप लोग दे सकते हैं, जीने से मजमून रियासत अमन खान का एक असलाही नौीयत का मजमून है। असलाही नौीयत का मजमून, इस मजमून में सैयद ने रिया की हकीकत और उसके मज़र अशरात के बारे में तफसील से रोशनी डाली है। यहाँ तक इसका आंसर आप लोग इसको देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से इसका आपको क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना है, रुक जाइए, वीडियो के आखिरी में बताएंगे आपको हम। क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी है, नात उसे कहते इसमें हुजूर पाक की तारीफ पे जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पे जाए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से इसका डाउनलोड करना है। चलिए आपको बताता हूँ, समझिए या फिर आप समझाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरीके से सारे सब्जेक्टिव को आंसर के मतलब आपको डाउनलोड कर सकते हैं किस तरीके से। चलिए मैं आपको बताता हूँ, डाउनलोड करने के लिए आपको सब्जेक्टिव और जो भी क्वेश्चन वगैरह है या उसका आंसर के आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ पे सर्च करने वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखना है POINT:STUDY STUDY और STM लिखना है इस तरीके से और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं आपके सामने ऐसा पेज खुल के आ जाता है, देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं अगला पेज आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाता है, आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन इस तरीके से कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके आना है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लास 10th के 10वीं के प्रथम सावधिक परीक्षा का सभी उत्तर देखिए, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाता है, अब आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर लेना है। देख लीजिए इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आइएगा नीचे, तो 10th और 1st टर्म एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिंक है, तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, उर्दू है, उर्दू को डाउनलोड करना चाहते हो उर्दू के सामने क्लिक करके ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे भी क्लिक कीजिएगा आपके सामने अगला पेज इस तरीके से खुल जाएगा। अब आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ उर्दू का पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर के दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देख सकते हैं पूरा आंसर के यहाँ पर दिया हुआ नीचे देख लीजिएगा। उसके बाद है नीचे दिए गए लिंक से आप उर्दू का क्वेश्चन पेपर आंसर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव वाला है तो उर्दू सब्जेक्टिव वहाँ से भी डाउनलोड करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे क्लिक कीजिएगा अगला पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा खुलकर। ठीक है, तब आपको क्या करना है यहाँ पे नीचे की ओर आना, डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर के PDF, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव डाउनलोड वाला है ना, तो सामने क्लिक करके ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा आपसे परमिशन मांगेगा, आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक आप सबका शुक्रिया।